तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 9 का. फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. सर आपका माइक म्यूट है. विद द वेलोसिटी ऑफ यू, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सबको पता ही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. थर्ड क्वेश्चन में, ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन इफ द मैक्सिमम हाइट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज, हमने किया ये क्वेश्चन, वो क्या कि अगर मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है तो एंगल थीटा क्या होगा. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. साइन 2 थीटा क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा. वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, साइन कैंसिल, सॉल्व करके क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4. थीटा इज tan इनवर्स 4. ये क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव के अंदर किया था, याद आ रहा है? ठीक. अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, इट्स एक्सेलेरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज. देखो जब भी एक प्रोजेक्टाइल अपनी जर्नी में होगा तो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेगा. अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कैंट करती है डाउनवर्ड्स. तो इसका सीधा आंसर है डायरेक्टेड डाउनवर्ड, चाहे प्रोजेक्टाइल नीचे हो चाहे टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो जहाँ मर्जी हो. तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड्स. क्लियर है यहाँ तक? अ स्टोन इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ यू मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स फॉल टू ग्राउंड इट्स मैक्सिमम, सॉरी कुछ गलत है स्टेटमेंट. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, वो कह रहे हैं जब एंगल क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेंज. और रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल क्या होगा, 45. तो इसका आंसर इज 45. नेक्स्ट है, एरोप्लेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ यू. तो एरोप्लेन मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ यू, तो एक पैकेट ड्रॉप करता है एट अ हाइट ऑफ एच. तो एरोप्लेन यू के साथ मूव कर रहा है और पैकेट की निकलती स्पीड भी क्या होगी, यू. टाइम टेकन बाय द पैकेट इन रीचिंग द ग्राउंड, तो कितने समय में पैकेट नीचे गिरेगा. तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या, 0. तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे किसमें, वाई एक्सिस में. क्या, एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सेलेरेशन की जगह जी. तो सॉल्व करके टाइम कैन बी कैलकुलेटेड. तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन देखो एक बार, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में. देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, बॉल को 60 डिग्री पे फेंका हमने. इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर. तो ये कौन सा डिस्टेंस गिवन है, ग्राउंड का, और ग्राउंड के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेंज. तो रेंज 90 है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 60. इफ द बॉल इज थ्रोन सेम वेलोसिटी के साथ एट एन एंगल ऑफ 30, तो रेंज क्या है, रेंज रिमेन सेम जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या तो थीटा या 90 माइनस थीटा. याद है ये फॉर्मूला, थीटा या 90 माइनस थीटा पे रेंज की वैल्यू क्या रहती है, सेम. तो अगर एंगल 30 है या एंगल 90 माइनस 30 कितना, 60 है, तो रेंज सेम रहती है. तो वही तो वो पूछ रहा है कि पहले केस में एंगल कितना है, 60, दूसरे केस में एंगल कितना है, 90 माइनस 60 यानी कि 30, तो रेंज सेम है. तो पहले अगर रेंज 90 है तो अब रेंज कितनी है, 90. तो दोनों केस में रेंज विल रिमेन सेम, तो आंसर इज 90. तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये देखना पड़ेगा ये एंगल्स 90 माइनस थीटा वाला, तो रेंज को सेम रखना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी ऑफ यू. टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय आसान फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय g. इस क्वेश्चन को एक बार देखें प्लीज.
बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद अ स्पीड वी नॉट एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. तो बॉल को वी नॉट से फेंक रहे हैं एट एन एंगल ऑफ थीटा. जैसी बॉल को फेंका, किक किया, तो बॉल प्रोजेक्टाइल में जाएगा. जैसी बॉल को किक किया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या था, एक मैन था, इसने भागना शुरू कर दिया सेम डायरेक्शन में टू कैच दी बॉल. और इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट बाई टू, विच इज कॉन्स्टेंट. इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा, कॉन्स्टेंट स्पीड वी नॉट बाई टू से कैच करने के लिए मैन भागता है. तो क्वेश्चन है क्या ये बॉल कैच कर पाएगा, अगर कर पाएगा तो फिर बोलो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा क्या था. तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये मैन इस बॉल को कैच करता है तो जितने टाइम में बॉल यहां से यहां आई, टाइम जो कि क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, उतने टाइम में इस मैन को यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा. टाइमिंग अगर सेम है तभी बॉल को कैच कर पाएगा. अगर मान लो ये बॉल 10 सेकंड में यहां पहुंचती है तो मैन को भी 10 सेकंड में यहां पर पहुंचना पड़ेगा. पहला स्टेप क्लियर है. तो टाइम टेकन दोनों का एग्जैक्टली सेम है, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, बॉल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, जितना बॉल की रेंज है आर, तो बॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है आर, तो मैन का भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है आर, क्योंकि दोनों आर और आर कवर करेंगे तभी वो बॉल को कैच कर पाएगा. ये स्टेप भी क्लियर है. तो दोनों बॉल और मैन में क्या चीज कॉमन है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट टी. रूल क्लियर है. अब एक काम करते हैं, मैन के लिए अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो मैन की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, कितनी, वी नॉट बाई टू. मैन का डिस्टेंस कितना है आर. तो आप मैन की वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट है तो आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, एस इज इक्वल टू वी टी. तो एस की जगह क्या पुट करेंगे मैन के लिए आर, वेलोसिटी की जगह कितना वी नॉट बाई टू, और टाइम की जगह कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी टाइम में मैन जो है इसको कैच करेगा जितना बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट है. तो आर इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू इंटू टी. क्लियर है. अच्छा बॉल की बात करते हैं, बॉल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया आर, हॉरिजॉन्टल में बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी, वी नॉट के दो कंपोनेंट्स है, वी नॉट कॉस, वी नॉट साइन. तो वी नॉट कॉस थीटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो बॉल का अगर मैं एक्स एक्सिस में इक्वेशन लगाऊं तो एक्स एक्सिस में बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आई कैन अप्लाई एस इक्वल टू वी टी. तो बॉल ने हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर किया आर, वेलोसिटी कितनी है वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा, और टाइम कितना है कैपिटल टी. तो ये स्टेप क्लियर है. तो बॉल के लिए आर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, और मैन के लिए आर इज इक्वल टू वी नॉट बाई टू इंटू कैपिटल टी. दोनों इक्वेशंस क्लियर हैं. मैन के लिए भी एस इज इक्वल टू वी टी, बॉल के लिए भी एस इज इक्वल टू वी टी, आर और आर दोनों का सेम है, ये भी और ये भी, दोनों का राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर लो. जब राइट हैंड साइड इक्वेट करेंगे, टी से टी कैंसिल, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, तो कॉस थीटा क्या है हाफ, तो थीटा कितना आएगा 60 डिग्री. तो ऑब्वियसली क्योंकि मैंने टाइम भी मैच करवा दिया, डिस्टेंस भी मैच करवा दिया, तो ये मैन बॉल को कैच कर पाएगा और बॉल की प्रोजेक्शन एंगल क्या होगा 60 डिग्री. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली, दोनों को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया विद डिफरेंट वेलोसिटीज, एक V1 और एक V2, अलग अलग वेलोसिटीज से, फ्रॉम सेम हाइट, हाइट सेम है, कौन सी बॉल ग्राउंड पे पहले पहुंचेगी. ठीक है, तो पहली चीज ये कि वेलोसिटीज दोनों की क्या है, डिफरेंट हैं, तो हाइट सेम है. तो अगर आप वाई एक्सिस में इक्वेशन लगाएं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, तो दोनों की हाइट सेम है नीचे गिरने की, तो एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कहीं पर भी अपना रोल प्ले करती नहीं है. तो दोनों की दोनों बॉल चाहे डिफरेंट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की जा रही है, एक मान लो 200 मीटर पर सेकंड, एक मान लो 100 मीटर पर सेकंड, टाइम दोनों का नीचे गिरने का सेम होगा. आपके सामने ही है, एच दोनों का सेम है, हाफ जी दोनों के लिए सेम है, तो टाइम भी दोनों का सेम है. तो फिर फर्क कैसे है, रेंज, जो तेज गिरी जा रही है ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो दूर जाके गिरेगी, और जो स्लो गिरी जा रही है वो पास आके गिरेगी, लेकिन टाइम टेकन दोनों गिरने का सेम रहेगा. क्लियर है यहां तक? ठीक,
क्वेश्चन नंबर 11, गूगल ड्राइव पे आप मैंने अपडेट कर दी है, आप चेक कर लेना, ये सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको वहीं पर। संडे को वेक्टर का टेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन है। सो एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। पहला काम 180 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकेंड। तो प्लेन की स्पीड इतनी है, उसमें से फूड पैकेट को ड्रॉप कर दिया, तो फूड पैकेट की स्पीड भी कितनी है, 50। तो फूड पैकेट यहाँ कहीं गिरेगा, कितनी हाइट से गिरा, 490, और रेंज क्या है इसकी, आर। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, आर क्या होगा। तो वाई एक्सिस में आप इक्वेशन क्या लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, 490। वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, 0, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, टाइम आ जाएगा। तो इतने टाइम में बॉल नीचे गिरेगी या पैकेट नीचे गिरेगा, पर आपको इसमें क्या निकालना है, आपको रेंज निकालनी है। रेंज एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, तो एक्स के ऊपर क्या लगाओगे, एस इज इक्वल टू वी टी। तो आर इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है हॉरिजॉन्टल में, एक्स में 50, और टाइम टेकन कितना है, 10। आंसर 500। और मैंने आपको इस टाइप की प्रॉब्लम में वैसे ही बता रखा है, अगर कुछ भी समझ में ना आए, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और दूसरा एस इज इक्वल टू वी टी, बस दोनों से आपका आंसर आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। क्लियर है यहां तक? ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, अ गन फायर्स टू बुलेट एट एन एंगल ऑफ 60 एंड 30। ये ना खास एंगल होते हैं, 60 30, क्योंकि 90 और 90 थीटा और 90 माइनस थीटा। तो पहली चीज क्लिक करती है कि ऐसे एंगल्स हैं कि रेंज दोनों की सेम आएगी। द बुलेट स्ट्राइक एट सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पहले केस में वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g, और दूसरे केस में साइन स्क्वायर 60/2g। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लेना, बाकी सब कैंसिल, v² 2g 2g कैंसिल, ये टर्म आएगी, साइन 30 हाफ है, साइन 60 रूट 3/2 है। सॉल्व करके h2 और h1 की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे कैसे मैक्सिमम हाइट की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहाँ तक? इस क्वेश्चन को एक बार देखें, 13th को। 13th क्वेश्चन कितने का हो गया, तो ठीक है मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, वो करके दिखाना, अगर वो हो गया यानी कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अभी दे रहा हूँ, पहले वही ले लो, इसके बाद आते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने। क्वेश्चन इज, सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल को मैंने 30 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये लो, ठीक है। मुझे ये निकालना है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है, 1 सेकेंड पे एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसकी नेट वेलोसिटी कितनी है, ये क्वेश्चन है मेरा। एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, रादर मैं ये भी हटा रहा हूं यहां से, ये भी दे नहीं रहा मैं आपको, बस मैं आपको ये डायग्राम दे रहा हूं, और मैं ये दे रहा हूं फाइंड वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अगर मैंने डायग्राम दे दिया तो उसमें तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा प्रोजेक्टाइल यहां पर था 1 सेकेंड पे, पर मैं आपको ये भी देना नहीं चाहता कि आपका प्रोजेक्टाइल है कहां पे, आप खुद ढूंढें प्रोजेक्टाइल कहां पे होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल सेकेंड हाफ में भी हो सकता है, फर्स्ट हाफ में कहां होगा, कैसे चेक करेंगे हम, क्या निकाल लें, सबसे पहले टाइम ऑफ एसेंट। ये चेक करने के लिए आप एक काम करें, आप टाइम ऑफ एसेंट निकाल लें। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी साइन ऑफ थीटा बाई जी।
तो वी का मतलब यहाँ पर 30 इंटू साइन ऑफ 30 बाई जी की जगह 10 पुट कर लेते हैं, सॉल्व करके आंसर आएगा 1. तो यानी कि 1.5 सेकेंड पे बॉडी कहाँ पर मिलेगी आपको एट टॉप मोस्ट पॉइंट. तो एक सेकेंड पे बॉडी कहाँ मिलेगी फर्स्ट हाफ में, पहले मिलेगी है ना. आपको ये थोड़ा पता है कि यहाँ है कि यहाँ है, आपको पता कहाँ पर है. तो आपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने का टाइम निकाल लिया 1.5 सेकेंड. तो 1 सेकेंड पे मान लेते हैं बॉडी कहीं यहाँ मिलेगी. अब आपको क्या निकालनी है यहाँ की वेलोसिटी. समझ में आया. ये इसलिए चेक किया टू चेक उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, फर्स्ट हाफ में होगी या सेकेंड हाफ में होगी. समझ में आ रहा है यहाँ तक. और अगर 1.5 सेकेंड में पूछेगा फिर तो टॉप पे होगी वो, 1.5 सेकेंड पे टॉप पे होगी, 1 सेकेंड पे नीचे होगी. मान लो 2 सेकेंड पूछेगा फिर सेकेंड हाफ में होगी. तो यहाँ पर 1 सेकेंड है तो मैंने यहाँ कहाँ ले लिया. तो आपको वेलोसिटी भी निकालनी. मैंने ये कहा टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ. तुम्हें क्या पता कि 1 सेकेंड पे बॉल यहाँ पर है, 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 तुम्हें क्या पता. तो तुम क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँचने का टाइम निकाल लो, जिसको क्या बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट. 1.5 आ गया. तो 1.5 सेकेंड पे बॉडी आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे. तो 1 सेकेंड पे कहाँ मिलेगी, पीछे कहीं मिलेगी रास्ते में. अभी तो 1.5 पे यहाँ पहुँचती है तो 1 सेकेंड पे तो पीछे मिलेगी ना. तो यहाँ अगर मान लो क्वेश्चन होता फाइन वेलोसिटी है 2 सेकेंड, फिर कहीं यहाँ मिलती. अंदाजे से बनाना है, इधर मिलेगी या इधर मिलेगी, तो इस केस में यहाँ मिलेगी. तो ये स्टेप क्लियर है. अब वी निकालने के लिए, सीधा वी कभी निकलता ही नहीं, क्या निकालेंगे. सबसे पहले इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट निकालेंगे वी एक्स एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट निकालेंगे वी वाई. तो अगर वी एक्स और वी वाई दो कॉम्पोनेंट बता दूं मैं वेलोसिटी के, तो नेट वेलोसिटी वी पता है क्या होगी, अंडर रूट ऑफ क्या, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. ये स्टेप क्लियर है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे हैं दोनों वेक्टर्स. तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. कोई डाउट इसमें. 2D में लगता ही नहीं, तो 1D की क्वेश्चन या तो एक्स में लगेगी या वाई में लगेगी, एक्स वाई में लगती नहीं, ठीक है ना. तो पॉइंट, तभी तो 2D क्वेश्चन को कैसे करते हैं, या तो एक्स में करते हैं या वाई में करते हैं. तभी तो मैंने बोला आपको अगर वी निकालना है आप सीधा भी निकाल नहीं पाएंगे, आपको पहले वी एक्स निकालना पड़ेगा एक्स एक्सिस, आपको वी वाई निकालना पड़ेगा, फिर नेट वेक्टर सम लेना पड़ेगा. अब वी एक्स निकालना ईजी है, क्यों, क्योंकि जब ये बॉल चली थी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी 30 इंटू कॉस ऑफ 30, वर्टिकल कितनी है 30 इंटू साइन ऑफ 30. अब हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कभी भी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करती. तो ये स्टेप क्लियर है. तो आपको एक आंसर तो पता लगी क्या आपको, 30 इंटू कॉस ऑफ 30. कोई डाउट इसमें. अगर मैं आपको वी वाई बता दूं तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी. वी एक्स पता लग गया आपको, वी एक्स को क्या ही पता लगना है, वो तो बाय डिफॉल्ट पता ही है कि वी एक्स का मतलब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कभी वैल्यू को चेंज ही नहीं करती. तो एक्स कॉम्पोनेंट तो पता ही है आपको 30 इंटू कॉस ऑफ 30. आपको इसमें क्या निकालना है, वी वाई. अब वी वाई निकालने के लिए वेलोसिटी किस एक्सिस में दिख रही है आपको, वी वाई वाई में कि एक्स में, वाई में. तो एक काम करते हैं, हम अपनी इक्वेशन किस में लगाते हैं, अलोंग वाई एक्सिस. जब ये बॉडी यहां से यहां आई तो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी है, 30 इंटू साइन ऑफ 30. और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी वाई. मैं अपनी जर्नी कहां से कहां ले रहा हूं, यहां से यहां ले रहा हूं. तो यहां पे वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, 30 साइन 30. यहां पर वेलोसिटी कितनी है, वी वाई. कोई डाउट इसमें. तो वाई एक्सिस की के कंपोनेंट देखेंगे, इनिशियल भी और फाइनल भी. तो मैं काम करता हूं, वाई एक्सिस में अप्लाई करता हूं वी इज इक्वल टू यू प्लस 80. तो वी की जगह वी वाई, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 30 इंटू साइन ऑफ 30, एक्सेलरेशन की जगह -10, और यहां पर पहुंचने में टाइम टेकन कितना है यहां पर 1 सेकेंड. तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, वी वाई. तो वी वाई निकाल लेंगे. तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करके, 25 नहीं 15 आ रही होगी, 15 नहीं 5 ही आ रही है मेरे को लगता है, 5 मीटर पर सेकेंड है. तो वी वाई की वैल्यू सॉल्व करके 5 आ रही है. तो अब आपको वी वाई पता लग गया, वी एक्स पता लग गया. वी एक्स तो आपको पता ही है 30 इंटू कॉस ऑफ 30, क्लियर है. वी वाई आपने निकाल लिया, तो यहाँ से नेट वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड. तो समझ में आया कि अगर प्रोजेक्टाइल के हवा में किसी भी पॉइंट पे उसने नेट वेलोसिटी पूछ ली तो आप नेट सीधी निकाल ही नहीं पाएंगे. आपको पहले उस पॉइंट पर
एक्सिस की अलोंग वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी, आपको उस पॉइंट पर वाई एक्सिस की अलोंग वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी, फिर उनका वेक्टर सम लेना पड़ेगा। एक्स की अलोंग वेलोसिटी ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्स की अलोंग वेलोसिटी की वैल्यू ऑलवेज रिमेन्स सेम। वाई के अलोंग ढूंढने के लिए एक ही क्वेश्चन है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी वाई आ जाएगा, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है, ये अब सुनो, जो सेकेंड क्वेश्चन वो पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि सपोज ये बॉल यहाँ पर है जिसकी नेट वेलोसिटी ये रही, नेट वेलोसिटी ने एंगल क्या बनाया एक्स एक्सिस के साथ इस पॉइंट पर, ये बताओ। अब होता क्या है, शुरू में एंगल क्या था 30, जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, इसकी वेलोसिटी का एंगल कम 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 कम, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बिल्कुल क्या हो जाता है, जीरो, है ना। पहले एंगल 30, फिर कम 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 करते हुए बिल्कुल फ्लैट हो जाती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एंगल क्या हो जाएगा इसमें, जीरो। तो वो कह रहे हैं कि यहां पर एंगल क्या होगा ये बताएं, ठीक है ये बताएं, क्लियर है यहां तक? अब यहां का एंगल ढूंढने के लिए क्या करेंगे, ये एक, ये आपके पास वी एक्स है, ये आपके पास वी वाई है, आप अगर इनका पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें तो आपको ये एंगल ढूंढना है, वी वेक्टर ने थीटा एंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल में टैन थीटा विल बी इक्वल टू क्या, वी वाई डिवाइडेड बाय वी, क्योंकि आप वी वाई निकाल चुके, वी एक्स निकाल चुके, तो वहां से टैन थीटा जो आंसर आएगा वहां से थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। तरीका बता रहा हूं, इन तरीकों से थीटा कैन बी कैलकुलेटेड। तो मेन काम क्या है, वी एक्स और वी वाई ढूंढना, फिर चाहे नेट वेलोसिटी ढूंढ लो, चाहे उसके अलावा फिर एंगल ढूंढ लो। मेथड समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस बीच में नहीं होते, हमारे क्वेश्चन या तो यहाँ पर होते हैं, है ना, मतलब इस टाइप से नहीं होते, पर अगर वो किसी भी इंस्टेंट पे टाइम दे देगा, फिर कैसे सोचना है, वी एक्स और वी वाई की फॉर्म में सोचना और कुछ नहीं सोचना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब मेरा जो क्वेश्चन था ना, वो ये था, बॉडी को 30 पे फेंका विद अ स्पीड ऑफ 30, तो कह रहा है कि 1.5 सेकंड पर एंगल कितना बनाएगा वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल पूछ रहा है। अब 1.5 सेकंड पे बॉडी मिलेगी कहाँ मुझे, तो इसके लिए चेक करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ असेंट सॉल्व करके कितना आ रहा है, 1.5, तो इसका मतलब 1.5 सेकंड पे बॉडी कहाँ मिलेगी, एट टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसी दिखेगी आपको, एक्स के साथ एंगल क्या बनाएगी, जीरो, तो इसका आंसर क्या मार्क करेंगे, जीरो। ये पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो एक ही वेलोसिटी रहेगी, बात खत्म, आंसर क्लियर है, जीरो क्यों मार्क करेंगे इसमें। इस क्वेश्चन को चेक करें, 14th।
जिन लोगों ने एरर्स नहीं किया ये अगले तीन क्वेश्चंस उनको समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए भी वो लोग वेट करें, जब एरर्स कर लेंगे फिर समझ में आ जाएंगे अपना, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब समझ में आएंगे। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे अब यूज़ करनी पड़ेंगी। तो जिन्होंने एरर्स किया हुआ है ये तीन क्वेश्चन वो कर पाएंगे। आप कहेंगे एरर्स बीच में कैसे आ गया, एरर तो है ही नहीं इसमें कहीं पर भी। मैं बताता हूँ कि टेक्निक है एरर्स की, वो क्या टेक्निक है, देखो, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज बाय 5%। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर एच है और वो कह रहा है कि हाइट बढ़ गई, तो नई हाइट कितनी हो गई, एच डैश, कितनी बढ़ गई, एच डैश माइनस एच डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितनी है, एच इंटू 100, और ये कितना गिवन है 5%, ये 5% है, ऐसे लिखते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट। लेकिन फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं इसको, चेंज को क्या लिखते हैं, डेल्टा, चेंज मीन्स डेल्टा एच बाय एच इंटू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5%, ये गिवन है, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर आपने हाइट में परसेंटेज चेंज 5% ला दिया तो आपको क्या निकालना है, रेंज के अंदर परसेंटेज चेंज निकालना क्या होगा, तो कितने परसेंट से रेंज चेंज होगी। तो आप रेंज का परसेंटेज चेंज कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ये समझ में आ रहा है कैसे, जैसे एरर्स के अंदर करते थे ना कि परसेंटेज चेंज इन हाइट या एरर इन हाइट, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, सेम है, तो यही तो होगा ना, डेल्टा आर का मतलब चेंज इन आर अपॉन ओरिजिनल आर। तो ये आपको गिवन है, ये आपको निकालना है, ये क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है मेरे को कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आता जिसमें एक ही फॉर्मूला में हाइट भी आती हो और उसी फॉर्मूला में रेंज भी आती हो, ऐसा कोई फॉर्मूला मेरे को पता नहीं। हाइट का अलग फॉर्मूला पता है, रेंज का अलग फॉर्मूला पता है। तो एक काम करते हैं, पहले एक फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें एच और आर एक ही फॉर्मूले में आते हो। कैसे, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम का वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, रेंज का क्या होता है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये हाइट है, ये रेंज है। एक काम करें, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें। डिवाइड का पता कैसे लगेगा, मैं चाहता हूँ डिवाइड करें, क्यों, क्योंकि जो फैक्टर चेंज नहीं हो रहे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएं। तो आप सोचें, मैं अगर इसे और इसे डिवाइड करता हूँ तो h को r से डिवाइड करता हूँ, मैक्सिमम हाइट मुझे पता है, रेंज मुझे पता है, डिवाइड करने से v स्क्वायर साइन साइन जी जी सब कैंसिल, क्या बचा, साइन बाई कॉस इज 10 और 2 into 2 is 4। तो मेरे पास क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट और रेंज को डिवाइड करके क्या आ गया, 10 थीटा बाई 4। अब इस क्वेश्चन में थीटा तो चेंज नहीं हो रहा, इट्स अ कॉन्स्टेंट, 4 चेंज नहीं होता, इज अ कॉन्स्टेंट, तो ये रेशियो इज अ कॉन्स्टेंट। तो मेरे पास क्या आ गया, h by r is a constant या h is equal to constant into r, कोई डाउट इसमें। तो मेरे पास एक फॉर्मूला मैंने बना दिया आपको जिसमें h भी आ रहा है, जिसमें r भी आ रहा है, ठीक है, और साफ पता लग रहा है कि h is directly proportional to r, ऐसी है ना मैथ्स, यही है ना, h is directly proportional to r। तो h directly proportional to r से मतलब क्या होता है कि अगर मैंने हाइट को डबल किया तो इधर से रेंज भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो अगर मैंने हाइट को 5% इंक्रीज किया तो रेंज भी 5% इंक्रीज, तो इसलिए इसका आंसर है 5%। एरर चाहिए ही नहीं इसमें, तो वैसे ऐसे हो गया तो सॉल्व। लेकिन अगर मैथमेटिकली करना है तो एच कॉन्स्टेंट आर, एरर्स का एक्सपोनेंट का रूल याद है, रिलेटिव एरर डेल्टा एच बाई एच, कॉन्स्टेंट में कोई एरर नहीं है, डेल्टा आर बाई आर बन गया, एरर का रूल लगा दिया, 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन हाइट जो कि कितने गिवन है 5%, ऑटोमेटिकली डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कैन बी कैलकुलेटेड। वैसे कॉमन सेंस से भी आ गया, बिना एरर के भी आ गया, बट अगर लगा दिया ये रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट तो भी चलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसे, ठीक है यहाँ तक। फिर करते हैं एक बार, फिर ट्राई करते हैं। अब जैसे सपोज करो मेरा क्वेश्चन है, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो मतलब मुझे क्या गिवन है बोलो, डेल्टा एच बाय एच इंटू 100 कितना, 10% आ गया। कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कॉन्स्टेंट, थीटा चेंज नहीं करना, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मुझे क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का परसेंटेज चेंज निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है, क्या ये पॉइंट क्लियर है।
ये मुझे निकालना है। तो मुझे क्या गिवन है, मुझे डेल्टा एच बाय एच इंटू 100 गिवन है, कितने परसेंट गिवन है 10%, और मुझे क्या निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड निकालना है। कोई डाउट इसमें क्या गिवन है क्या निकालना है, समझ में आ रहा है? अब मेरे को एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें हाइट और टाइम एक ही फॉर्मूले में आते हों। मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, मेरे को हाइट अलग फॉर्मूला पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग पता है। तो लिख लो, ये आपके पास हाइट है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है टू वी साइन थीटा बाई जी, लिख लिया। तो रूल वही है, मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही है वो कट जाएँ। कैसे, मैं डिवाइड करूँ तो वी से वी कट जाए, कट ही नहीं रहा क्योंकि ये वी स्क्वायर है, ये वी है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन है। तो एक काम करते हैं, इसको स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, ये टी स्क्वायर फोर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर जी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू क्लियर है? आप इन्हें डिवाइड कर लें। अब डिवाइड करेंगे एच को टी स्क्वायर से, तो एच का फॉर्मूला पता है, टी स्क्वायर का पता है, डिवाइड करेंगे जी से जी, साइन स्क्वायर वी स्क्वायर सब कैंसिल, आपके पास ये बच गया जी बाय एट। अब जी इज अ कॉन्स्टेंट, एट इज अ कौन, तो होल इज अ कॉन्स्टेंट, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एच इज सम कॉन्स्टेंट इन टू टी का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो पहला काम क्या था, एच और टी का फॉर्मूला बनाना। तो हमने क्या बनाया, एच और टी का फॉर्मूला बना लिया। ठीक है यहां तक? अब इसमें ये फॉर्मूला बन गया, अब मेरे को इनका परसेंटेज चेंज का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो अब ये थोड़ा मेथड वन रहने दें, ये नहीं करेंगे, लॉग वाला मेथड कई बुक्स में गिवन होता है, ये चाहिए नहीं हमें। मेथड टू सिंपल देखेंगे, एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टी स्क्वायर, तो बोलो एरर सब ने कर रखे हैं, इसको देखते हुए क्या बोलेंगे, डेल्टा एच बाय एच टू इंटू डेल्टा टी बाय टी। क्लियर है यहाँ तक? और 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करके ये क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी 10%। तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड 10/2 कितना 5%। तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 कितना 5%। तो बस एक ही रूल है, पहले फॉर्मूला बना लें फिर ये रूल लगाएं, परसेंटेज चेंज वाला आंसर, एक टर्म गिवन होगी दूसरी निकल जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। और अगर कोई मैथ्स की क्लास में ये पूछे फाइंड परसेंटेज चेंज, तो मैथ्स की क्लास में अगर आप ये रूल लगा दें और मैथ्स का टीचर ये पूछे तेरे को पढ़ाया किसने, तो मेरा नाम नहीं लेना आपने, मैंने नहीं पढ़ाया ये। अब वो ये क्यों, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट तरीका है, ये कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है। ये आपको अप्रॉक्सीमेट तो आंसर निकाल के देगा, पर ये एक्चुअल तरीका नहीं है। एक्चुअल मैथमेटिकल तरीका अलग होता है, H1 निकालना, हम ये अप्रॉक्सीमेट करते हैं, इससे रिजल्ट आपके एक्यूरेट नहीं आ सकते। मतलब ये नहीं है कि हो सकता है किसी ऑप्शन में आंसर आता हो 17% और आपका आता हो 20%, 2-3% का वेरिएशन भी आ सकता है, बड़ी बात नहीं है कोई। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो सही है, सब्जेक्टिव में आता नहीं। तो अगर ऑप्शन मार्क करना हो तो फटाफट ऑप्शन मार्क हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये कोई फॉर्मल तरीका नहीं है परसेंटेज चेंज निकालने का, पता लगे कल को कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ जाए आपको ऐसे निकालूंगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक अंदाजे से अप्रॉक्सीमेट तरीका है, ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है, पर हाँ चलता है, प्रोजेक्टाइल में काफ़ी लोग चला देते हैं, फटाफट आंसर आ जाता है इसमें। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? फिर ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये क्वेश्चन पढ़ो 16th।
ओके देखो कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट डबल कर दिया, व्हाट हैपन्स टू द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। तो अब पहले मुझे कैसा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी आता हो और मैक्सिमम हाइट भी आती हो, वो ऑलरेडी मैं निकाल चुका, यही फॉर्मूला था डिवाइड करके एच और टी स्क्वायर का, आप हाइट लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे डिवाइड करेंगे तो ये एच और टी स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको, तो एच बाई टी स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट, क्लियर है? अब इसमें कोई एरर नहीं चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है, वो कह रहे हैं कि अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या कर दूँ डबल, तो अगर मैं इसे क्या कर दूँ डबल, अब डबल करने से क्या होगा टू टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में फोर बाहर आ जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि इनकी रेशियो क्या आने वाली है कॉन्स्टेंट, तो मैं हाइट को किससे मल्टीप्लाई करूँ फोर से, ताकि ऊपर और नीचे फोर और फोर कैंसिल करके आंसर फिर से क्या आ जाए कॉन्स्टेंट, तो हाइट कितनी करनी पड़ेगी फोर टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर डबल करते हो तो हाइट कितने टाइम करनी पड़ेगी फोर टाइम, ये पॉइंट समझ में आया, क्योंकि टाइम की जगह जब डबल करोगे, टाइम जब डबल करोगे ठीक, जब टाइम डबल करोगे तो क्या होगा टू टी का स्क्वायर, तो आपको ये रेशियो क्या चाहिए कांस्टेंट, तो डिनोमिनेटर में फोर आ गया तो न्यूमिनेटर में भी क्या आना चाहिए फोर, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए फोर टाइम्स हाइट, ताकि रेशियो रिमेन्स सेम। सेवेंटीन क्वेश्चन पढ़ना प्लीज। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 2% कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, वॉट विल बी दी परसेंटेज चेंज इन मैक्सिमम हाइट। अब देखो किसका किसका वेरिएशन देखना है आपको, एक तो किसका वेलोसिटी का और एक हाइट का, क्या ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हाइट और वेलोसिटी आती हो? हाँ, तो मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला ऑलरेडी वेलोसिटी आती है, तो फॉर्मूला नया बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये फॉर्मूला है। कह रहे थीटा और 2g कॉन्स्टेंट, ये तो चेंज ही नहीं हो रहे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा एच इज सम कॉन्स्टेंट इंटू वी स्क्वायर, तो आपको इसमें एरर का रूल लगाएंगे डेल्टा एच बाई एच टू इंटू डेल्टा वी बाई वी, 100 दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई। वो क्या कह रहा है, अगर परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी 2% है तो परसेंटेज इन हाइट क्या होगी 4%, ठीक है यहाँ तक? तो आपको ये परसेंटेज के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं प्रोजेक्टाइल में कैसे करने हैं। चलो इतने क्वेश्चन ही थे, अब वापस आ जाते हैं, जिन्होंने एरर नहीं किया उनको भी समझ में आएगा। 18th क्वेश्चन, टॉप ऑफ द टावर 19.6 मीटर, 19.6 मीटर का की बिल्डिंग है, यहां से बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका, ये फेंका हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी ऑफ यू, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, तो लाइन यहां से ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और कहां पर, जहां वो ग्राउंड को, जहां वो हिट करती है, इस लाइन ने एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाया 45, ठीक है? तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और जहां वो गिर रही है एंगल क्या बनाया 45,
देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या है, यू क्या है, राइट? तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो. कोई डाउट इसमें? ठीक. तो इसके अंदर क्योंकि एंगल 45 बनाया, तो ये हाइट अगर 19.6 है तो ये कितने है, 19.6 है. ये भी क्लियर है यहां तक? तो मुझे क्या निकालना है, u निकालना है. अब अगर u निकालना है तो u किस एक्सिस में है, हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल में क्या लगता है, s इज इक्वल टू vt. तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में कितना है, 19.6. वेलोसिटी कितनी है, u. तो अगर मैं आपको टाइम बता दूं t, तो u आ जाएगा. तो टाइम निकालने के लिए y एक्सिस में इक्वेशन लगाओ, y एक्सिस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, तो h इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर से टाइम आएगा. इस टाइम को यहां पुट करके u कैन बी कैलकुलेटेड. तो वही ओल्ड स्टोरी, ऐसे टावर से अगर फेंकेंगे तो या तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या x इक्वल टू वी टी. पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्या बोल रहे हो ऑनलाइन? सर आपने इसे स्ट्रेट लाइन क्यों लिया प्रोजेक्शन? अच्छा ठीक है. पहली बात, मैंने इसको ज्वाइन क्यों किया, देखो उसने लिखा इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, यहां हिट करती है तो लाइन ज्वाइन करनी है. क्लियर है यहां तक? इसने एंगल बनाया 45. हम लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरी होगी, ऐसे ऐसे, तो ये वेलोसिटी वेक्टर था, उसने एंगल बनाया 45. और ये भी कंफ्यूजन होती है, ये दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दीज आर नॉट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो वेलोसिटी ने एंगल क्या बनाया था, 45 नहीं बनाया. ये वेलोसिटी का एंगल नहीं है, वेलोसिटी का एंगल तो नीचे बनता है. उसने एंगल कौन सा कहा, लाइन ज्वाइनिंग, ये एंगल 45 है, फर्क है. तो वेलोसिटी जिससे कि यहां एक्चुअल प्रोजेक्टाइल तो ऐसे आएगा ना, ऐसे. तो ये जो एंगल वेलोसिटी वेक्टर का बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये 45 नहीं बनेगा, बिकॉज ये वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है. ठीक है यहां तक? तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन. एरोप्लेन के क्वेश्चन कर करके जो है कुछ ज्यादा नहीं हो गए. फिर प्लेन आ गया, फिर 490 मीटर हाई है, 150 पे कोई फायर कर रहा है कोई चीज, क्या निकालना है, हाउ फार, कितनी दूर जाके गिरी. तो फिर क्या करना है, क्या करना है, वाई एक्सिस में यूटिलिटी ऑफ 80 स्क्वायर टाइम आ जाएगा, एक्स में एस इक्वल टू वी टी आंसर आ जाएगा. तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है, तो ये एक असाइनमेंट क्लोज करते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, नंबर कितनी है, 10. इसको इस असाइनमेंट के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, दो बार किया हुआ है. वो टावर के अंदर ये विंडो होती है, यहाँ विंडो होती है, पत्थर गिरता है, ऑलरेडी डन. ठीक है, तो इसको तो आप खुद करेंगे एक बार. क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पढ़े, ये नहीं किया, वैसे हैंड रिटन शीट में था. मैंने कहा था कि पता नहीं किसी शीट में मैंने देखा है इसे, पिछली शीट में. चलो नहीं है तो आप करो एक बार, इसे देखो एक बार.
क्वेश्चन के अंदर ना एक प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। प्रॉब्लम वही है जो मोशन इन 1D की प्रॉब्लम थी। अगर आपको मोशन का चैप्टर याद हो, अब जिन्होंने मोशन नहीं किया वो ये क्वेश्चन 2 मिनट छोड़ दें, मोशन के अंदर वो क्वेश्चन आएगा तब ये समझ में आएगा। या ऐसा बोल सकते हैं जिन्होंने मोशन नहीं किया वो मेथड 2 ही समझ पाएंगे इसका। मैंने 2 तरीके से किया है, मेथड 2 समझ में आएगा, मेथड 1 नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन की ये प्रॉब्लम है कि जैसे अगर आप एक किसी भी बिल्डिंग के टॉप से किसी बॉल को नीचे ड्रॉप करते हैं, याद है हमने मोशन में 3 क्वेश्चंस किए थे। पहला वेलोसिटी 0, ड्रॉप किया कितनी देर में ये स्टोन नीचे आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमने इसको नीचे फेंका कितनी देर में नीचे आएगा। तीसरा जो सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम थी जिसमें कंफ्यूजन होती थी, हमने बॉल को ऊपर फेंका, याद है इसमें साइन लगते थे। जब आपने कहा था सर जी का नेगेटिव का आंसर तो बता दो क्या होगा, आज मैं वो आंसर बता दूंगा तेरे को कैसे होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया यहाँ तक। ये सबसे क्रिटिकल केस था, याद करो था ना इसमें। अब ये भी तो उसी कैटेगरी का है, हमने प्रोजेक्टाइल को कैसे फेंका, किसी भी टावर पे चढ़ के सीधा फेंका, हमने कभी उसको किसी एंगल पे फेंका ही नहीं, ना मैंने कोई थ्योरी करवाई ऐसी। अब प्रॉब्लम ये है कि अब प्रोजेक्टाइल कुछ देर ऊपर जाएगा और फिर जाके नीचे गिरेगा, तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक लंबा तरीका एक छोटा तरीका, जो मेथड पसंद है आप कर लो। पहला तरीका, या पहला तरीका करने से पहले एक और रिजल्ट याद करो कि अगर कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है, मान लो कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है और मान लो उस प्रोजेक्टाइल को मैंने 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका एट एन एंगल ऑफ कितना 30 डिग्री, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे आएगा। ठीक है, रूल नंबर 1, जब प्रोजेक्टाइल इसको ग्राउंड से हिट करेगा तो याद रखना अगर 30 की वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया था तो 30 की वेलोसिटी से ही इसे हिट करेगा। ये रिजल्ट सीधा लगाएंगे हम रिजल्ट्स में। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि 30 की वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्टाइल आएगा तो 30 की वेलोसिटी से ही लैंड करेगा, रिजल्ट नंबर 1। दूसरा, अगर इसको 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया था तो जब ये लैंड करेगा ग्राउंड के साथ इसका एंगल 30 ही बनेगा। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा रिजल्ट लगाया जाएगा। तो याद रहेगा ये 2 रिजल्ट, जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ उतनी वेलोसिटी से लैंड होगा, जितने एंगल पर प्रोजेक्ट हुआ उतने एंगल पर ही लैंड होगा। ठीक है यहाँ तक। तो अगर मैं यहाँ पर इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, 30 इंटू कॉस ऑफ 30, वर्टिकल क्या है, 30 इंटू साइन ऑफ 30। तो मैं पूछता हूँ जो प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, 30 cos 30, और वर्टिकल क्या इनिशियल इतना, और जब ये लैंड करता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 30 इंटू cos ऑफ 30, और ये कितना है 30 इंटू, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो ये रिजल्ट याद रहेगा। ठीक है यहाँ तक, तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। ये देखो, तो मेरे पास ये एक बिल्डिंग है 70 मीटर, इसके टॉप से प्रोजेक्टाइल को फेंका विद वेलोसिटी ऑफ 50, ये प्रोजेक्टाइल ऊपर ऊपर गया, नीचे आया नीचे आया, और फिर नीचे ज़मीन पे गिर गया। आपको बताना है कितना समय लिया उसने, टाइम बताओ टोटल यहाँ से यहाँ आने में। क्लियर है, आपको टोटल टाइम बताना है कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ कितनी देर में आएगा। तो मैं काम करता हूँ, अपने क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांट लेता हूँ। पहला हिस्सा, पहला कि यहां से लेके यहां तक का टाइम अलग निकालते हैं और यहां से यहां तक का टाइम अलग निकालते हैं, और फिर टोटल टाइम को T1 T2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है, लॉजिक क्लियर है? ये टाइम निकालना आपके लिए बड़ा आसान है क्योंकि ये टाइम क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो बिल्कुल आसान है। यहां से यहां का टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2v sin 30 थीटा बाय g। तो आपको एंगल 30 पता है, वेलोसिटी 50 पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा के एक टाइम आ गया 5। क्या ये पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इसमें प्रोजेक्टाइल यहां से यहां कितनी देर में आता है, 5 सेकंड में। समझ में आ रहा है यहां तक? ये तो अगर आप इसको ना देखें फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, और इस हाइट इस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है? अब मुझे दूसरा टाइम निकालना है जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आया। ठीक, तो जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां आया तो आप मुझे ये बताएं
वाई एक्सिस में, अब आपने ये नहीं देखना पीछे का छोड़ दो, सिर्फ यहां से यहां देखेंगे, तो यहां पर वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी, 50 sin 30, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, 50 sin 30, नीचे आने में एक्सीलरेशन क्या मानी जाएगी वाई एक्सिस में, जी, टाइम मान लो टी टू है और डिस्टेंस वाई एक्सिस में कितने है 70। तो अब इस पार्ट ऑफ जर्नी में वाई एक्सिस में इक्वेशन लगा लो, वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना 70, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 50 sin 30, टाइम टेकन टी टू, एक्सीलरेशन प्लस जी क्योंकि बॉडी नीचे गिर रही है, तो ये इक्वेशन क्लियर है सबको, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। पहला टाइम तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आ गया और दूसरा हमने क्या किया, दूसरे में हमने इक्वेशन लगा दी। अब जब ये वैल्यूज को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे टी टू स्क्वायर आ रहा है, ये टी टू आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक बन गई टी टू स्क्वायर और टी टू में, देखो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो सॉल्व करके टी टू आ गया। तो टी वन हम निकाल चुके हैं 5 सेकेंड, टी टू की वैल्यू 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम 5 + 2 7, ये गलत है, 7 सेकेंड आएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे दो पार्ट ऑफ जर्नी में इसे तोड़ लिया हमने, ब्रेक किया, समझ में आ रहा है यहाँ तक। इसमें मुझे कोई ऐसा कोई शॉर्टकट या पुराना चैप्टर चाहिए नहीं है, मैंने वैसे ही सॉल्व कर दिया, आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दिया, आधा वाई एक्सिस में सॉल्व कर दिया, डन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक लाइन का, सिर्फ एक लाइन का सोल्यूशन है, अगर आपको वो मोशन वाली कहानी याद है, ठीक है। अब मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है उसके ऊपर आ जाते हैं, अब जिन्होंने मोशन किया है उन्हीं को समझ में आएगा। जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ये बताए कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या है बॉल की, 50 sin 30। तो क्या डिसाइड किया था कि जहां इनिशियल वेलोसिटी है वो डायरेक्शन क्या है, तो ऐसे यूटी प्लस हाफ फिट से पूरी जर्नी के लिए करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह 50 sin 30, और क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव नीचे की नेगेटिव, तो नीचे की नेगेटिव में जी इज नेगेटिव और एस भी नेगेटिव, याद करो एच भी नेगेटिव जी भी, एक लाइन में सीधा टी टू आ जाएगा, डन। टाइम टोटल एक ही बारी में आएगा, तो पॉइंट समझ में आ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चक्कर क्या है, जैसे वो पूछता था कि जी नीचे नेगेटिव कैसे होता है, जी तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसे रिलेटेड है कि अब हमने वेक्टर कर लिया, ठीक है। वेक्टर्स में ये सिखाया जाता है कि ऊपर जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ऐसे होता है ना, तो ये कौन सा कैप है, जे कैप है, ये कौन सा है, आई कैप, ये कौन सा है, ऐसी है ना। तो मान लो ये टॉप ऑफ द टावर है जहाँ से बॉल को गिरना है और ये यहाँ के गिरेगी, तो सोचो जब ये आप ऊपर फेंक रहे हो उससे, मान लो विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 m/s गिरते हो, हाइट इसकी 70 m है, आपको टाइम निकालना है ना यहाँ गिरने का, मोशन की प्रॉब्लम है ये। तो आप अगर अप्लाई करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, तो आप s की जगह क्या पुट करेंगे, देखो ये ओरिजिन है, अब आपका ओरिजिन के नीचे जाते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, -70 j कैप, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी u ऊपर है तो क्या आएगी, 50 j कैप इंटू टाइम प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कहाँ है, नीचे, अब नीचे कौन सा कैप है, 9.8 j कैप इंटू टी स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है ये नेगेटिव और नेगेटिव क्यों होता है और ये पॉजिटिव क्यों होता है, एक मिनट समझ में आएगा। उसमें याद करवाया था कन्वेंशन, आई कैप जे कैप से याद नहीं करना, अपने आप फीलिंग आएगी कि आई कैप जे कैप नेगेटिव क्यों है। इसलिए बिना वेक्टर के वो मोशन की प्रॉब्लम बहुत मुश्किल लगती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, वेक्टर के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर दिखता है, यही समझा रहा था, वेक्टर के साथ एक लाइन में आंसर आएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लेते हैं। देखो मैंने कहा कि ये आपका आई कैप है, ये जे कैप है, बॉल यहाँ से चली मान लो, अगर बॉल यहाँ से चली तो इसको क्या मान लेते हैं, ओरिजन है, तो आपकी बॉल ऊपर जाती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 m/s और फिर नीचे गिरती है, तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 70 की बने, ठीक है। तो अब इस केस में ठीक है, तो इस केस में अगर मैं इक्वेशन लगाता हूँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, तो ये मेरा ओरिजिन है, तो मेरे डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे ओरिजिन के, नीचे का मतलब -j कैप नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, नीचे ओरिजिन ये है ना जहाँ से फेंक रहे, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऊपर, ऊपर का मतलब 50 j कैप प्लस 50, एक्सेलरेशन क्या होती है, नीचे, नीचे का मतलब
माइनस जे कैप। तो एक्सलेशन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों समझ में आ रहा है, इसलिए वो साइन कन्वेंशन वेक्टर से बनाई गई थी। पर क्योंकि हमने उस टाइम वेक्टर नहीं किया था तो हमने ऐसे ही बस प्लस माइनस लगा दिया था। ठीक है यहाँ तक? तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम क्लियर है आपकी। तो एक ही लाइन में लगाओगे सीधा, टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। थर्ड क्वेश्चन करना है आपने, थर्ड ट्राई करो, ये हो जाएगा। देखो देखो इसमें यार, द रेंज आर ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम व्हेन इट्स मैक्सिमम हाइट आर h1 एंड h2। रेंज सेम कब होती है? जब एंगल या तो थीटा होता है 90 माइनस थीटा होता है। तो यानी कि एक एंगल थीटा लेना पड़ेगा तो हाइट अलग आएगी। तो एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, जब एंगल थीटा तो हाइट क्या आएगी? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जब एंगल 90 माइनस थीटा तो हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2g। तो हाइट तो डिफरेंट आएगी आएगी, लेकिन रेंज सेम आएगी। उसने कहा रेंज सेम रखनी है, हाइट डिफरेंट आ जाए कोई बात नहीं। तो ये
साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये एच वन आ गया, ये एच टू आ गया, क्लियर है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा। आपको आर पता है, आपको एच वन पता है, आपको एच टू पता है। अब पहला तरीका, हिट एंड ट्रायल, पहला ऑप्शन पकड़ लें, रेंज में पुट करें वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और राइट साइड पे एच वन एच टू को पुट करके अंडर रूट लें। अगर ऑप्शन मैच कर गया लेफ्ट और राइट तो ओके, नहीं तो फिर सेकेंड ऑप्शन चेक करें, नहीं तो फिर थर्ड करें, नहीं तो फिर फोर्थ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका, चारों ऑप्शन में एच वन एच टू जरूर यूज हो रहा है, तो एक काम करें, एच वन पता है एच टू पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ये एच वन है, एच टू है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये राइट साइड भी मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया, मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। इसका अंडर रूट ले लें। अंडर रूट क्यों? क्योंकि हर टर्म में क्या आ रही है? अंडर रूट ऑफ एच वन एच टू। तो अंडर रूट से क्या होगा? वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का अंडर रूट वी स्क्वायर, वी पावर फोर का वी स्क्वायर, साइन स्क्वायर का साइन, कॉस स्क्वायर का कॉस, फोर का टू, जी स्क्वायर का जी। अब एक पॉइंट को समझें, यहां पर अगर मैं टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करूं, क्यों? ताकि मेरे पास फॉर्मूला बन जाए न्यूमिनेटर में, टू साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि क्या होता है? साइन टू थीटा। तो इससे क्या फायदा होगा? मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फर्क तो पड़ा नहीं, टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा। वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी क्या होती है? रेंज। तो आर बाई फोर रूट एच वन एच टू, तो आर क्या होगा? फोर इंटू रूट एच वन एच टू इज द आंसर। अब थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए, कि पहले एच वन निकलेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता, लंबा कर लें, सारी वैल्यूज को पुट करते जाएं जो सेटिस्फाई क्वेश्चन हो जाएगी, बट डन हो गया, आंसर हो गया। ठीक है यहाँ तक? ये नहीं करना, ये हटा दिया था मैंने। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये गलत किया हुआ है मैंने। फिफ्थ क्वेश्चन में अ पार्टिकल इज फायर्ड विद द स्पीड ऑफ यू मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। ये देखो, एक पार्टिकल को हमने थीटा एंगल पर विद द वेलोसिटी ऑफ यू प्रोजेक्ट किया, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे क्या? यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। तो ये क्या प्रोजेक्टाइल? एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछूं, जो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ वी एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो प्रोजेक्टाइल की टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? प्रोजेक्टाइल के टॉप के पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। कितने लोग मानते हैं जीरो? गलत। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? वी कॉस थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी कम 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 जीरो, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करती, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहती है। तो इसलिए अब वेलोसिटी बोलो कितनी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे? वी कॉस थीटा। साइन नहीं होती, कॉस होती है। तो अगर मैं ये पूछूं कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बोलो कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एम जी इंटू एच एम। मुझे वेलोसिटी का क्वेश्चन तो मैंने वैसे ही पूछ लिया। आपको दो टाइप की प्रॉब्लम आती हैं इसमें। पहली, वो पूछेगा टॉप की पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, आप बोलेंगे वी कॉस थीटा। आपसे पूछेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर बोले काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? हाफ इंटू एम इंटू वी कॉस थीटा का स्क्वायर। सेकेंड आंसर। तीसरा क्वेश्चन, टॉप के पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी इंटू एच ऑफ एम। एच ऑफ एम क्या है? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय। तो ये क्या आ गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी? जी से जी कैंसल, हाफ एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो टॉप के पॉइंट पर वेलोसिटी पूछी जाती है, काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती है, पोटेंशियल जीपी पूछी जाती है। कोई डाउट इसमें? तो उसने क्या पूछा? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये गलत सॉल्यूशन है। पोटेंशियल मैंने आपको अभी निकाल के दिखाई, दिस इज द आंसर, एम जी इंटू एच एम। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो टॉप से 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, तो बॉल पहले कहाँ जाएगी? ऊपर, फिर कहाँ आएगी? नीचे। तो उसका जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो पहले क्या होगा? कम। टॉप पर क्या हो जाएगा? जीरो। और फिर नीचे आते आते इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो पहले वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज। और फिर क्या होगी? इंक्रीज। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज। ठीक हो गया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का कई बार ये क्वेश्चन स्कूल में भी आता है वैसे। क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आपको ये इक्वेशन गिवन है,
कह रहे हैं मेरा एक प्रोजेक्टाइल है, उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन है ये रही, आप ये बताएं इसको देखते हुए कि बॉडी को जो फेंका गया था उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा क्या था। आप ऐसे क्वेश्चन में सिंपल तरीका है, कुछ मत प्लीज़ ज़्यादा वो लें, ये क्वेश्चन लिख दें, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको आती है वो भी लिख दें, आपने ये निकाली थी याद करो, ये रही याद करनी है, लिख दी। इन दोनों को कंपेयर कर लें, कैसे, एक्स का कोफिशेंट क्या है, रूट थ्री, एक्स का कोफिशेंट क्या है, तो कंपेयर करो, टैन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू, या फिर टैन इनवर्स रूट थ्री, एक ही बात है आंसर, कुछ करना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। इसमें एक मिनट, ये क्लियर है पहले, कंपेयर करके टैन थीटा की वैल्यू कैसे आई। जब भी कोई ऐसी क्वेश्चन ट्रेजेक्ट्री गिवन होगी आप अपनी इक्वेशन लिख के इसे कंपेयर करके आंसर निकालेंगे, ठीक। क्या आना चाहिए इसका, ए का इंक्रीजेस, कैसे इंक्रीजेस, ये देखो इसमें ये बिल्डिंग है, इसके टॉप से ये 60 डिग्री से मैंने इसको फेंका, तो वेलोसिटी क्या है, वी कॉस 60, ये ऊपर जाके नीचे आएगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी डिग्रीज, टॉप पे जीरो, इंक्रीज 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 इंक्रीज, मैं समझा नहीं, बॉल को टॉप से फेंका, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी मान लो वी कॉस 60 है, कम 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 कम, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो, ऊपर जाते हुए जीरो, अब वो नीचे आएगी तो इंक्रीज 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 इंक्रीज, अगेंस्ट ग्रेविटी जब तक जाएगी वेलोसिटी डिक्रीज, जब ग्रेविटी के फेवर में आएगी तो इंक्रीज। हाँ फिर ठीक है, वर्टिकल ऊपर फेंका है। टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड बट मेकिंग डिफरेंट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, रेंज आर इक्वल। अब रेंज इक्वल कब होती है, जब एंगल थीटा 90 माइनस थीटा, अब थीटा कितना है, पाई बाय थ्री, पाई क्या होता है 180, 180 बाय थ्री क्या है 60 डिग्री, तो एक एंगल अगर 60 है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल अगर 60 है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस 60 इज 30, तो क्या निकालना है, अगर एक की हाइट h1 है तो दूसरे की हाइट क्या होगी, तो एक काम करते हैं पहले एंगल क्या पुट करते हैं 60 हाइट में, फिर एंगल क्या पुट करते हैं हाइट में 30, उसने कहा ना एक एंगल 60 दूसरा क्या होगा 30, ताकि रेंज रिमेंस सेम, तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके अपने आप आंसर आ जाएगा h2 इन टर्म्स ऑफ h1, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, u u g g सब कैंसिल आंसर, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है ओके। इस क्वेश्चन को करें प्लीज, नाइन्थ को एक बार देखें, नाइन्थ क्वेश्चन करें,
अ बॉडी ऑफ मास एम इज प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ वी एंड एक्स डिस्टेंस पे गिरती है, पहली बॉडी। दूसरी बॉडी का मास डबल कर दिया, हाइट डबल कर दी, डिस्टेंस डबल हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं बताओ, पहले केस में अगर वी था वेलोसिटी तो दूसरे केस में वेलोसिटी क्या होगी? पहली बात तो प्रोजेक्टाइल का मास से कोई लेना देना है ही नहीं, मास यूज ही कहाँ करते हैं। तो ये बताओ कि अगर पहला प्रोजेक्टाइल नीचे गिरता है तो वर्टिकल में डिस्टेंस कितना है h, तो यू कैन अप्लाई h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और एक्स एक्सिस में यू कैन अप्लाई x इज इक्वल टू वी टी। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से x बाई वी यहाँ पुट करते हुए क्या आ गया, h और x का रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन आपको क्या दे रहा है, h, x और v, केस नंबर वन। केस नंबर टू में हाइट क्या कर दी, डबल, x क्या कर दिया, डबल, वेलोसिटी v की जगह मुझे निकालनी है। आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, h से h कैंसिल, हाफ जी कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, अपने आप वेलोसिटी आ जाएगी सेकेंड केस की। तो पॉइंट समझ में आया, पहले फर्स्ट केस सॉल्व कर लें, फर्स्ट केस को सॉल्व करके आपके पास क्या जाएगा, ये h आ जाएगा। फिर सेकेंड केस में क्या करना है, जो डबल करने को कह रहा है डबल कर दें, जो निकालने को कह रहा है वो निकाल लें और फिर डिवाइड कर दें। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है, कोई डाउट इसमें? प्रोजेक्टाइल मास पे कहाँ डिपेंड करती है, अगर एक प्रोजेक्टाइल को घेरा एट हाइट ऑफ h तो एयर की रेजिस्टेंस नहीं ना, आप यूट्यूब एयर की रेजिस्टेंस नहीं ना, आप यूट्यूब पे वीडियो चेक कर लें, आपको बहुत मिलेंगे ऐसे। और सच में अंग्रेज़ों ने किए हैं ये, एक एयर पूरा बहुत बड़ी बिल्डिंग में क्या किया, एयर निकाल दी, हाँ वैक्यूम कर दिया, बिल्कुल कुछ नहीं है, एक उसको फेदर को घेरा और एक एक बॉल को घेरा, आप मानोगे दोनों का टाइम टेकन गिरने का सेम था, पंख का और बॉल का। इवन अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर आप एलिफेंट को भी घेर दें और एक फेदर को घेर दें और वैक्यूम है, टाइम टेकन उनका भी सेम है। अब अंदाज़ा लगा लें एयर की रेजिस्टेंस कितना मैटर, तभी तो एयर की रेजिस्टेंस लेते नहीं है, सारी फिजिक्स ही चेंज हो जाएगी एयर की रेजिस्टेंस से। समझ में आ रहा है? तो मास का चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं ये सारे क्वेश्चंस, उसके बाद नेक्स्ट टाइम इसमें डाउट लेने हैं मैंने, ये आप ट्राई करेंगे, ये आपकी रेंज में है, आप इसे कर पाएंगे।